घुटनों का दर्द देश के हर कोने में मौजूद करोड़ों लोगों की मुसीबत बन चुका है। करीब 2-3 साल से मेरे घुटने में ज्यादा दर्द था। धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने वो कम किया। कम करने के बाद भी दर्द में थोड़ा सा बढ़ता गया। डॉक्टर तो अपना अपना एडवाइस देते हैं, बोले ऑपरेशन के बोला, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। तो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा, उसका नंबर लेकर के मैंने कॉल किया, तो दिल्ली से दवा मंगवाई। मंगवाने के बाद मैं करीब 2 महीने से दवा खा रहा हूँ, तो करीबन 2 महीने में 40% लगभग मेरे को रिलीफ मिला है। किसी भी अगर बीमारी से परेशान है तो यही कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाके यकीन था पर प्रोग्राम देखो, आपको जो भी परेशानी है हर परेशानी का आपका इलाज उनके पास मिलेगा। क्या आप जानते हैं घुटनों का दर्द न केवल बुजुर्गों को बल्कि युवाओं के लिए भी एक गंभीर परेशानी है। अगर हम और आप सही समय पर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काफी तकलीफ देह हो सकता है। इस समस्या में आपको कितना दर्द हो सकता है, शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे इंडियन आर्मी से रिटायर्ड एक फौजी से और जानेंगे कठिनाइयों से भरे उनके इस सफर को। करीब 2-3 साल से मेरे घुटने में ज्यादा दर्द था। तो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा, उसका नंबर लेकर के मैंने कॉल किया जी। तो दिल्ली से दवा मंगवाई। मंगवाने के बाद मैं करीब 2 महीने से दवा खा रहा हूँ, तो तकरीबन 2 महीने में 40% लगभग मेरे को रिलीफ मिला है। घुटनों का दर्द जब जीवन की मुश्किलों को बढ़ा दे तो उस दर्द के साथ जीना आसान नहीं होता। इंदौर के रहने वाले बीडी शर्मा जी भी इन्हीं मुश्किलों के साथ अपने जीवन को गुजार रहे थे। शुरू से ही सेहतमंद और फुर्तीले रहने वाले बीडी शर्मा असहनीय दर्द के कारण किसी दूसरे पर निर्भर रहते थे। घुटनों का दर्द एक ऐसा दर्द है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ और तकलीफ देह हो जाता है, और एक फौजी जो देश की सुरक्षा के लिए घुटने नहीं टेकता, वो अपने घुटनों के दर्द के सामने बेहद लाचार था। 68 साल के बीडी शर्मा जी फौज से रिटायर्ड हैं, जो 3 सालों से घुटनों के दर्द से काफी परेशान थे। उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बीडी शर्मा जी अपने पूरे जीवन में कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे, पर उम्र के इस पड़ाव में उनके सामने कई मुश्किलें आ गई थीं। तो चलिए जानते हैं बीडी शर्मा जी से कि उन्हें ये दर्द कैसे हुआ था। तो डेली वॉक पर जाता था, तो क्या है, धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने वॉक कम किया। कम करने के बाद भी दर्द में थोड़ा सा बढ़ता गया, और 2-4 महीने मैंने इंतजार किया कि शायद घूमने से हो गया होगा, लेकिन घूमने की वजह तो नहीं थी। अब जो भी दर्द का कारण बना, दर्द बढ़ता गया। दर्द जब लगातार बढ़ता गया तो उन्होंने एलोपैथिक दवाओं का सहारा लिया, पर इन दवाओं के सेवन से उन्हें कुछ समय के लिए आराम मिलता, पर कुछ देर में ही दर्द पहले की तरह होने लगता। एलोपैथिक दवा चलती थी, लेकिन वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की वजह से उनको। क्या साइड इफेक्ट रहा आपको? नहीं, लोगों ने बताया कि यूनानी ये इनका ज्यादा अच्छा है, हकीम साहब का दवा ज्यादा अच्छा है, आप इसको बंद करो, इसीलिए मैंने यहाँ से दवा दिया। जो ट्रीटमेंट आप पहले ले रहे थे सर, उससे आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं, रिलीफ होता था जब तक, क्या है, दवा लेते हैं तो उसका इफेक्ट रहता है जब तक खा रहे थे। हाँ, और दवा का 1 हफ्ते के बाद में इफेक्ट बंद होता है उसका, और फिर साइड इफेक्ट जैसे कोई लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लोगों से बात किया तो उनके एडवाइज की वजह से मैंने वो बंद किया, और हकीम साहब के दवा का मैंने इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है। जब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आया तो लोगों ने उन्हें यूनानी जड़ी बूटियों का सेवन करने की सलाह दी। बीडी शर्मा जी ने बिना देरी किए यूनानी के प्रसिद्ध हकीमों में से एक हकीम, हकीम सुलेमान खान साहब के यूनानी नुस्खों को अपनाया। और कई लोगों के मैं जब प्रोग्राम देखता हूँ हकीम साहब के यूट्यूब पे, तो सबकी बातें सुन के मेरे को थोड़ा हौसला आया कि मैं भी यही करूँगा जो हकीम साहब एडवाइस दे रहे हैं, वही दवा लूँगा। उसकी वजह से मेरे को रिलीफ मिला और मैं बेटर फील करता हूँ। दर्द में बेहद कारगर जड़ी बूटी गोंदसिया का सेवन करने के बाद आज वो अपने दर्द को अलविदा कर चुके हैं, और इसका रिजल्ट क्या रहा ये आप खुद उन्हीं से जान लीजिए। लेकिन ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको 2 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट मिल गया है, क्योंकि ये वो ट्रीटमेंट है सर जिसमें आपको इंतजार करना पड़ता है, इसलिए लोग इसमें बहुत देर में आते हैं। इंतजार तो करना पड़ता है, रिजल्ट अच्छा होता है ना, बात में इंतजार करना, तो कोई दवा भी दूसरी भी खाते हैं फिर भी इंतजार करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बेटर नहीं होता है। इनका हकीम साहब का रिजल्ट बेटर है, इसकी वजह से मैंने फॉलो किया। जो पहले कई डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने के लिए उनको कह दिया था, वही आज बीडी शर्मा जी
यूनानी दवाओं से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। डॉक्टर तो अपना अपना एडवाइस देते हैं, बोले हड्डियों में घिसावट आ गई है, कुछ पानी आ गया, कुछ भी बोलते हैं। किसी ने ऑपरेशन के बोला, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। अच्छा। रिलीफ, हाँ रिलीफ मिला है मेरे को, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। उनका पूरा परिवार उन्हें स्वस्थ और सेहतमंद देखकर काफी खुश है। बीडी शर्मा जी को अब यूनानी दवाओं पर अटूट विश्वास हो गया है, और इसी अटूट विश्वास के साथ उनका क्या कुछ कहना है जरूर सुनवाते हैं। नहीं, मैं तो यही कहूँगा, अगर मेरे साथ वाला या जो मिलने वाला है किसी भी अगर बीमारी से परेशान है, तो यही कहूँगा कि अगर मैं ज़्यादा नहीं बता पाया था, आप YouTube पे जाके यकीन साहब का प्रोग्राम देखो, आपको जो भी परेशानी है हर परेशानी का आपका इलाज उनके पास मिलेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप भी घुटनों के दर्द की असहनीय पीड़ा से चिंता मुक्त होना चाहते हैं और आपको भी कई सालों से घुटनों का दर्द सता रहा है, तो इस वीडियो में फौजी साहब की कहानी आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। जैसे फौजी साहब ने हकीम साहब के नुस्खे अपनाकर खुद को स्वस्थ किया, वैसे ही आप भी इन नुस्खों को जरूर अपनाएं। साथ ही फौजी साहब की तरह आप अपने जीवन में दर्द को दूर कर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं।